ये है डेड बॉडी पीटर ट्रेन का। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो मैं नहा धो के रेडी हो गया, थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे इधर से। तो हम लोग निकल चुके हैं इधर से, इधर से जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद मार्च पकड़ के शूटिंग पर, सीधा शूटिंग लोकेशन पर। तो पांच लोग आए थे, तो अभी दो लोग अलग जगह पर गए हैं लुंगले, हम इधर आइजोल में ही है अभी। ये आइजोल यकीन नहीं होता हम पहाड़ के अंदर एक सिटी में है। यहाँ पर सीढ़ी सरना मतलब पहाड़ सरना। क्या ऊपर तो खुला होगा ना? यही है हमारा लोकेशन, आज इधर ही हम शूटिंग करेगा। ये तो पोस्टर्स लगा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग इंटरव्यू ले लिया। अभी बीच में ब्रेक लेके हम लंच करने के लिए आया है इधर ही पास में। खाना खाने के बाद हम थोड़ा घूमने के लिए निकल पड़ा है। इसे आ गया बहुत। यहाँ में व्यू का मज़ा लेने के लिए जगह ही नहीं है ऐसे। अभी चढ़ना पड़ेगा पूरा सीढ़ी। वैसे जो लोग हिल्स एरिया में रहता है उन लोगों के लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन हम प्लेन्स में रहते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है। गाइस, तो यहाँ पे हर एक चीज़ देखने का लायक है, सब कुछ इधर से लिखे बस देखने का लायक है। चलो अंदर चलते हैं, फिर थोड़ा टाइम बैठते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं। पटे दिल्ली है तो आया ना। ये है, ये नॉर्मल टी नहीं है, ये मिजो टी बोला है।
मिजोरम में बनाया हुआ थी इसलिए शायद मिजो थी। हेलो, शूटिंग करते करते रात हो गया बहुत और रात का नज़ारा इधर का बहुत खूबसूरत है, तो दिन में तारे देखने जैसा। क्लियर से तो नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन इसमें क्योंकि जूम नहीं होता है ना, क्यों नहीं दिखा पाएगा, दिखाना ही पड़ेगा। दिखाएगा, ये देखो है वो, लेकिन आँखों से देखना मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। ये कैमरा लगा के बैठा हूँ हम, ये वाला। सो अभी हम निकल रहे हैं इधर से, रात भी हो चुका है तो अभी निकल जाएगा हम इधर से। ये भी ब्लॉग बना रहा है। रात का नज़ारा देखो, लाइट बहुत कम है देख। व्यू देखो भाई, ये इधर से आराम से देख सकता है। ओ नीचे देखो ना, ओए निरंत, ओहो वाओ भाई, पूरा चमक रहा है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। ओ डर ही लग रहा है। वाह क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। सो हम रूम पहुंचने से पहले इधर एक बुक कैफ़े में आ गए, जो कि मिजोरम का फर्स्ट बुक कैफ़े बोल रहा है इधर। इट्स टाइम फॉर टी नाउ। यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे, रात का नज़ारा लेके पैदल ही। टाइमर देके रखा है। बैक टू द रूम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय।